अस्सलाम वालेकुम। 70% लोग इस वीडियो को देखने के बाद अर्निंग नहीं कर पाएंगे और उसकी वजह जानते हैं, अंगूठा, आप लोगों का ये अंगूठा जो कि आप लोगों को वीडियो को स्किप करने पर मजबूर करता है। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो अर्निंग नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ सिखाना है और जब आप लोग वो सारा कुछ सीख जाएंगे तो आप लोग टाइपिंग करके पैसे कमा सकते हैं। बात समझ गए? अब ये जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उनको मैं बहुत ही आसान करके आपको सिखाऊंगा। सिर्फ सिखाना नहीं है, मैंने बाकायदा परफॉर्म करके दिखाऊंगा। बस आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आप लोग भी ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और जितने भी लोग नए हैं चैनल को ज्वाइन भी जरूर कीजिएगा। मजीद डिटेल के लिए मैं आप लोगों को लेके जाता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर। हाँ, जो काम मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर सिखाऊंगा आप लोग अपने मोबाइल फोन पर भी कर सकते हो और विड्रॉ की टेंशन नहीं लेनी। अगर आप लोग पाकिस्तान में हैं तो आप लोग जैस कैश से कैसे विड्रॉ लेंगे मैं बताऊंगा, और अगर आप लोग पाकिस्तान से बाहर हैं तो आप लोग पेपाल या बैंक से भी विड्रॉ ले सकते हैं। इस टेंशन को बिल्कुल दूर रखते हुए आप लोगों ने वीडियो पे फोकस करना है, सीखना है और सीखने के बाद आप लोगों ने अर्निंग करनी है। तो चलते हैं जनाब लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी, तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने काम को समझना है कि यहाँ पर आप लोगों को किस किस्म का काम करना पड़ेगा। टाइपिंग जॉब तो है बट ये जॉब थोड़ी सी डिफरेंट है, तो आप लोगों ने इस वीडियो के तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है। अब या तो आप लोगों को एक ऐसा काम मिलेगा जिसमें आप लोगों ने क्या करना है जनाब, कि रीराइट करना है कंटेंट को जो कि एआई फ्री होना चाहिए। देखें आजकल के दौर में क्या है कि ज्यादातर कॉन्टेंट को AI के जरिए बनाया जाता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए, जिसमें ChatGPT का नाम आपने सुना होगा। लोग ChatGPT पर आते हैं, यहाँ पर अपना टॉपिक लिखते हैं, इसके बाद सेंड मैसेज को दबाते हैं और यहाँ पर उनका कंटेंट जनरेट हो जाता है। अब इस कंटेंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, ये कंटेंट बहुत सी वेबसाइट वाले एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि ये कंप्यूटर ने लिखा होता है और इसमें ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ठीक है, तो वेबसाइट इसको एक्सेप्ट नहीं करती। अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने ये कंटेंट एआई से लिखवाया होता है, लेकिन वो क्या चाहते हैं कि इस कंटेंट में जितना भी एआई कंटेंट है वो आप लोग रिमूव करें और उसके अल्फाज को चेंज करें और उनको सबमिट करवाएं, ठीक है। ये है टोटल टास्क। आप लोगों को वर्ड फॉर्मेट में कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट देखने में मिलेगा, ये डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा और आप लोगों का काम क्या है जो कि मैंने अभी समझाया। पहले तो आप लोगों ने यह देखना होगा कि इस पूरे डॉक्यूमेंट में कहां कहां AI बेस्ड कंटेंट है। अब ये कैसे होगा ये मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। इंटरेस्ट लेकर वीडियो को देखें क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे, क्लिक्स में हो जाएगा सारा काम, लेकिन पहले आपने सीखना है। और जितना भी यहां पर AI कंटेंट आपको मिलेगा उसको आपने रिप्लेस करना होगा। अब रिप्लेस कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, ऑन स्क्रीन परफॉर्म करके दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी आपने। इसके अलावा आप लोगों को कोई टॉपिक दिया जा सकता है कि आप लोगों ने इस टॉपिक पर AI फ्री कंटेंट लिखना है, और टॉपिक आपको कौन प्रोवाइड करेगा, आप लोगों का क्लाइंट प्रोवाइड करेगा। अब इस सिनेरियो में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। नंबर 1, आप लोगों ने उस टॉपिक पर जो कि आपका क्लाइंट देगा उस पे आप लोगों ने AI से लिखवाना है। नंबर 2, आप लोगों ने उसमें से जितना भी AI बेस्ड कंटेंट है उसको रिमूव करना है, और वो मैं आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में सिखा दूंगा। अब मेंटली आप लोग प्रिपेयर हो गए ना कि आप लोग करने क्या लगे हैं, तो शुरू करते हैं जनाब पॉइंट नंबर 2 से, क्योंकि इसमें आप लोगों का पॉइंट नंबर 1 भी कवर हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों का क्लाइंट आपको एक टॉपिक देता है कि आप लोगों ने एक आर्टिकल लिखना है और आर्टिकल का टॉपिक क्या है, हेल्थ एंड एक्सरसाइज। अब इसके लिए आप लोगों ने गूगल की सर्च में टाइप करना है ChatGPT, और इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर ChatGPT को क्लिक कर देना है। यहाँ पर अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है, आप लोगों से बेसिक इन्फॉर्मेशन ही ली जाएगी, ईमेल एड्रेस वगैरह, कोई भी मुश्किल बात नहीं है। अब जो आर्टिकल आप लोगों ने टाइप करवाना है वो आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है। चलिए इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं जनाब कि इसके हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। आर्टिकल यहाँ पर लिखा जा चुका है, आप लोगों ने इसको यहाँ से कॉपी करना है। अगर आप लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो आप लोग उसका नोट पैड यूज कर सकते हैं, या फिर आप लोग वर्ड को इंस्टॉल भी कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से। इस डॉक्यूमेंट को मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पर फॉर्मेट भी कर दिया है, राइट, कंक्लूजन तक यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट को हम लोग सबमिट नहीं करवा सकते
क्योंकि ये AI रिटन डॉक्यूमेंट है, फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं है। अब हम लोगों ने चेक करना है कि इस आर्टिकल में कितने परसेंट AI बेस्ड कंटेंट है। आप लोगों ने सिंपली इसको यहां से कॉपी करना है और आप लोगों ने एक और मैजिकल वेबसाइट पर आ जाना है जिसका नाम है कंटेंट एट स्केल। इसका कंप्लीट URL है contentatscale.ai। इसको ओपन कीजिएगा और यहाँ टॉप पर आप लोगों को एक ऑप्शन दिखाई दे रही है AI डिटेक्टर, आपने इसको ओपन करना है। अब यहाँ पर जो आर्टिकल अभी आप लोगों ने यहाँ से कॉपी किया था यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल नीचे आ जाना है और यहाँ पर चेक फॉर AI कॉन्टेंट इसको क्लिक कर देना है। थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लगेगा, आप लोगों ने वेट करना है। प्रोसेसिंग कंप्लीट हुई, अब रिजल्ट्स को भी देख लेते हैं और यहाँ पर रिजल्ट सिर्फ 6% है, यानी कि ये आर्टिकल 94% AI बेस्ड है, यानी कि इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। अब ये कैसे ठीक होगा वो भी अब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अब इन रिजल्ट्स को आप लोगों ने समझना है। देखें, जहां पर ऑरेंज कलर है इसका मतलब है लाइकली टू बी AI जनरेटेड, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये AI बेस्ड ही है, और जो रेड हाइलाइटेड कंटेंट है वो हाईली लाइकली टू बी AI जनरेटेड है, यानी कि उसको 100% AI जनरेटेड कंटेंट कहा जा रहा है, और येलो हाइलाइटेड का मतलब ये है कि ये कंटेंट अनक्लियर्ड है, AI बेस्ड है या ह्यूमन, ये बात क्लियर यहां पर नहीं हो रही, यानी कि इसको भी हमने चेंज करना होगा। और ग्रीन का मतलब ये है कि इस कंटेंट को हम लोगों ने चेंज नहीं करना, सिस्टम इसको ह्यूमन बेस्ड ही समझ रहा है। ठीक हो गया, तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं और इस 6% को हम लोग आगे बढ़ाते हैं ताकि हमारा काम कंप्लीट हो सके। चले, इनिशियली इसको मैंने यहां से यहां तक कॉपी कर लिया। अब आप लोगों ने एक और वेबसाइट ओपन करनी है जिसका नाम है quillbot.com। ये वेबसाइट AI बेस्ड वेबसाइट है जो कि आपके दिए हुए कंटेंट को रिफ्रेश करने की सलाहियत रखती है। यहां पर मैंने उस कॉपी किए हुए टेक्स्ट को पेस्ट किया और यहां पर रिफ्रेश का बटन अवेलेबल है, इसको क्लिक कीजिएगा। रिफ्रेश से होगा क्या कि ये डॉक्यूमेंट यहां पर डिफरेंट अल्फाज के साथ आ जाएगा, मफहूम वही रहेगा लेकिन अल्फाज चेंज हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट रिफ्रेश हो चुका है, आप लोगों ने इसको यहां से कॉपी कर लेना है और यहां से यहां तक जितना डॉक्यूमेंट हमने रिफ्रेश किया उसको आप लोग यहां पर रिप्लेस कर दें। ठीक हो गया जनाब, अब इसको एक दफा दोबारा चेक करते हैं कि रिफ्रेश का फायदा हुआ या नहीं। चेक कंप्लीट हुआ, अब रिजल्ट्स को भी देख लेते हैं और यहां पर आप लोग देख सकते हैं जनाब के 48% डॉक्यूमेंट हमारा क्लियर हो चुका है। चलें अब मजीद यहां पर टेक्स्ट को उठाते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं क्विल बोट की मदद से। क्विल बोट को यूज करते हुए आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, आप लोगों ने ये काम स्टेप बाय स्टेप करना है, पूरे आर्टिकल को यहां पर पेस्ट नहीं करना। इसकी वजह यह है कि ये वेबसाइट पेड वेबसाइट है लेकिन हमने इसको फ्री में यूज करना है, और फ्री में यूज करते हुए आप लोग यहाँ पर 125 से ज्यादा वर्ड्स को रिफ्रेज नहीं कर सकते। सेम उन्हीं स्टेप्स को आप लोगों ने फॉलो करना है। तो जनाब यहाँ पर मैंने 3-4 दफा क्विल बोट को यूज किया और अब आप लोग देख सकते हैं कि 100% टेक्स्ट हमारा ह्यूमन बेस्ड हो चुका है, यानी कि इसमें जो AI का इम्पैक्ट था, AI का जो कंटेंट था वो अब रिमूव हो चुका है, यानी कि इस डॉक्यूमेंट को अब हम लोग आगे यूज कर सकते हैं। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर किन स्टेप्स को फॉलो किया, हम लोगों ने सबसे पहले एक आर्टिकल लिखवाया ChatGPT को यूज करते हुए, इसके बाद हम लोगों ने उसको चेक किया AI डिटेक्टर पर कि उसमें कितने परसेंट AI कंटेंट है और कितना ह्यूमन, फिर हम लोगों ने रिफ्रेजिंग की टेक्निक को यूज किया और उस आर्टिकल को हम लोगों ने 100% AI फ्री कंटेंट बना दिया। यानी कि यहाँ पर हमारे ये दोनों काम कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि हमें अगर ये पहला काम मिले या दूसरा काम मिले हम लोग ये सब कुछ सीख चुके हैं। अब इसको यूज करते हुए आप लोगों ने अर्निंग कैसे करनी है, विड्रॉ कैसे लेना है वो मैं आप लोगों को अब समझा देता हूँ। पहला प्लेटफॉर्म है फाइवर, यहाँ पर कुछ नई सर्विसेज आई हुई हैं। ये देखें, AI सर्विसेज के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर AI कंटेंट एडिटिंग की जॉब्स अवेलेबल हैं और यहाँ पर बहुत कम लोग इस वक्त मौजूद हैं। जहाँ पर गिग्स में 4-4, 5-5 लाख लोग होते हैं, यहाँ पर सिर्फ 4,500 के करीब सर्विसेज अवेलेबल हैं। और अगर आप लोग सेलर डिटेल्स में भी जाएं तो इनमें से 48 लोग ऐसे हैं जो कि टॉप रेटिंग है
और लेवल टू पे भी 252 लोग पहुंच चुके हैं, जबकि नए सेलर्स यहां पर तकरीबन 4000 हैं। आप लोगों ने जनाब यहां पर लाजमी गिग बनानी है, क्योंकि यहां पर तमाम लोग अर्निंग कर रहे हैं। यहां पर आप लोग देख भी सकते हैं, यहां पर भी देखें, ठीक है, रिव्यूज वही देता है जिन्होंने इनसे काम लिया होता है। इस वक्त अगर आप लोग यहां पर गिग बना लोगे तो ये बात मैं यकीन के साथ कहता हूं कि फ्यूचर में इस काम का इतना स्कोप है कि आप लोगों को बहुत ऑर्डर्स मिलेंगे, और यहां पर इस वक्त लोग भी कम है, तो आप लोगों ने लाजमी गिग बनानी है। अब गिग कैसे बनानी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप लोग YouTube की सर्च में लिखें फाइवर अंजुम इकबाल, तो यहां पर आपको दो वीडियोस मिलेंगी, कैसे आप लोगों ने अकाउंट बनाना है, पहले आप लोगों ने इस वीडियो को देखना है, और अकाउंट बनाने के बाद आप लोगों ने गिग कैसे बनानी है, आप लोगों ने इस वीडियो को देखना है। इन दो वीडियोस को देखने के बाद आप लोग फाइवर को 100% समझ जाएंगे। इसके अलावा आप लोग यही खिदमत अपवर्क पर भी दे सकते हैं। यहाँ पर भी AI कंटेंट एडिटिंग की गिग्स अवेलेबल हैं, और यहाँ पर ज्यादातर पाकिस्तानी लोग कमा रहे हैं। ये देखें, अब्दुल्ला के नाम से गिग है और ये $8 ले रहे हैं एक घंटे के। इसके अलावा भी डिफरेंट गिग्स अवेलेबल हैं। आप लोगों ने अपवर्क पर भी गिग जरूर बनानी है। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों ने याद रखनी है। नंबर वन, अगर आप लोग फाइवर को यूज करें, अपवर्क को यूज करें, या कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करें, आप लोगों ने किसी भी क्लाइंट से अगर बात करनी हो तो आप लोगों ने इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करना है। अगर आपको ऑर्डर फाइवर पर मिलता है तो आप लोगों ने अपने क्लाइंट से फाइवर पर ही बात करनी है, उनसे फोन पर व्हाट्सएप पर बात नहीं करनी, और ना ही आप लोगों ने इन लोगों को किसी भी किस्म की पेमेंट्स करनी है, क्योंकि जब आप लोग इन प्लेटफॉर्म्स के अलावा इनसे बात करोगे तो ही आप लोगों के साथ स्कैम होता है। तो आप लोगों ने जनाब इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर रहते हुए काम भी करना है और पेमेंट्स भी लेनी है। अब पेमेंट आपको कैसे मिलेगी वो भी बता देता हूं। आप लोगों को जनाब पेयोनीर से पेमेंट मिल सकती है, और पेयोनीर पाकिस्तान में बिल्कुल वर्क कर रहा है, और आप लोग डायरेक्टली जैज कैश से विड्रॉ ले सकते हैं। अकाउंट कैसे बनाना है, अगर आप लोग पेयोनीर अंजुम इकबाल लिखें YouTube की सर्च में, तो यहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इजिली अपने जैज कैश में विड्रॉ ले सकते हैं पेयोनीर को यूज करते हुए। अगर आप लोग पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं रखते तो आप लोग पेयोनीर से, पेपाल से या बैंक ट्रांसफर से भी विड्रॉ ले सकते हैं। मैंने अपनी भरपूर कोशिश की कि आप लोगों को A to Z तमाम स्टेप्स परफॉर्म करके दिखा दूं। अब आप लोगों का काम है अमल करना और अर्निंग करना। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हौसला अफजाई के लिए लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, कल की वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा। जितने भी लोग नए हैं चैनल को ज्वाइन करके इसकी नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का।